यहीं पर हमारा झोला छीन के इधर आगे भाग गया धोबी घाट की तरफ। आप रहने वाले कहाँ के हैं? बहादुरगंज। क्या है, क्या करते हैं आप? हम टीचर हैं। किस स्कूल में है? बहादुरगंज। पर नमस्कार, पीडी न्यूज द बीजवा की दास्तां में आप सभी का स्वागत है। एक शिक्षक से बाइक सवार बदमाशों ने दिया छिनतई घटना को अंजाम। शिक्षक को चोट भी आई। पूरी रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए हमारे पीडी न्यूज के साथ। क्या कुछ हुआ था बताइए थोड़ा। इसका झोला लेकर के छीन करके भाग रहा था। कौन था, मतलब कैसा था, देखने में क्या था? पकड़ा करके था, दो आदमी था। एक आदमी जो चला रहा था वो हेलमेट पहने हुआ था। कहाँ पे मतलब दिया घटना को अंजाम? यहीं पर डीम मार्केट चौक पे, पान के दुकान। भागा किधर? भागा धोबी पट्टी की तरफ। आप लोग देखे थे? जी हाँ, हम लोग देखे। हम खुद दौड़े, हम खुद हल्ला किए। आगे में आदमी सब था लेकिन कोई उस पर सपोर्ट नहीं किया, दौड़ा नहीं। कोई मोटरसाइकिल भी दौड़ता तो पकड़ा जाता, धोबी पट्टी में पकड़ लेते मोटरसाइकिल। रोड पर जो गिरा दिया हमको। नहीं, आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? आप कहाँ से कहाँ? हम उधर बाजार से आए, यहाँ गेंदा का फूल लिए और इधर वहाँ पान दुकान के पास गए थे। जी, बस यहीं पर हमारा झोला छीन के इधर आगे भाग गया धोबी घाट की तरफ। आप रहने वाले कहाँ के हैं? बहादुरगंज। क्या है, क्या करते हैं आप? हम टीचर हैं। किस स्कूल में है? बहादुरगंज प्रखंड सीतागाछ। सीतागाछ, मतलब बच्चा का तबीयत वगैरह खराब है? क्योंकि एकदम पैर हाथ टूटा हुआ है, बच्चा पैर टूटा हुआ, उसी के लिए पैसा निकासी की इलाज के लिए। तो क्या क्या था और आपके बैग में? बहुत कागज था। क्या क्या था? चेकबुक था, पासबुक था, एटीएम वगैरह भी था? एटीएम नहीं था। अब कुछ एफडी पेपर का बात बोल रहे हैं? हाँ, एक एफडी पेपर था। किस चीज़ का था वो, कौन कंपनी का? वही स्टेट बैंक का ही है, एफडी था। तो आप अब सूचना दिए, मतलब लोग भी नहीं पकड़ पाए? चोट भी लगी है क्या आपको? तो यहाँ पूरा चोट लगा, हाथ नहीं उठ रहा। आपका नाम क्या हुआ? नरेश चंद्र प्रसाद, रहने वाले बहादुरगंज। उसको सर बोलिए कि मास्टर बहादुरगंज का उसका चक्का छीनते हुआ है, प्रसाद जी का दामाद वहाँ पड़ा हुआ है। हाँ हाँ, बुढ़िया तो हेलो।